हमारी टीम अब तक दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में 25 से ज्यादा शहरों में मोदी सरकार के 4 साल की पड़ताल कर चुकी है। आज एक बार फिर से हम पटना में हैं। अब तक 13,400 किलोमीटर की यात्रा। नमस्कार, मोदी के 4 सालों की पड़ताल एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2019 कौन जीतेगा। इन्हीं सवालों के साथ एक बार फिर से हम आप पहुंचे हैं बिहार की राजधानी पटना में। पटना से आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और पटना की जनता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जोरदार तालियां खुद के लिए। 26 मई को मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं और इसीलिए हमने एक नई पड़ताल, एक नई सीरीज की आज से कर दी है शुरुआत। मोदी सरकार ने इन 4 सालों के दौरान जिन जिन बड़ी योजनाओं का ऐलान किया था, उन बड़ी योजनाओं के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब 2019 की राजनीति भी चरम पर पहुंचने लगी है, क्योंकि हर एक दल अपनी राजनीतिक गोटियां उसी के हिसाब से तय करने जा रहे हैं। और इसी सीरीज की कड़ी में आज सबसे पहले बात करेंगे उज्ज्वला योजना की, जिसे मोदी सरकार मास्टर स्ट्रोक की तरह ले रही है और हमने देखा था यूपी चुनावों के दौरान इसका फायदा भी बीजेपी को मिला था। उज्ज्वला योजना की क्या है हकीकत और क्या है फसाना, यह रिपोर्ट देखिए। सांस आती है, एकदम घबराहट सी होती है, धुआं लगता है, खांसी उठाते हैं, आंसू आ जाते हैं। गैस सिलेंडर की सब्सिडी नहीं लेंगे, तब मन में याद रखिए कि ये जो पैसे देश में बचने वाले हैं वो किसी न किसी गरीब के काम आने वाले हैं। अब उज्ज्वला गैस मिलने के बाद पढ़ाई अच्छा होती है, टाइम भी मिलता है। उज्ज्वला ने तो पूरे भारत की जिंदगी बदल दी, एक नया भारत बना दिया। बलिया की सीमा, बूंदी की फागुन, जहानाबाद की सजनी, धमतरी के फागुराम, मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना के ये वो 4 किरदार हैं जिनकी कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ये वो योजना है जिसे मोदी सरकार चुनाव जिताने वाली योजना मानती है, लेकिन मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने के बाद क्या है इस योजना की हकीकत? क्या वाकई इस उज्ज्वला ने लोगों की जिंदगी में ला दिया है उजाला? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। घरों में चूल्हे से निकलता धुआं, फूकनी से चूल्हों में रोटी बनाने की जंग, गरीब, निर्बल, पीपीएल लोगों की जिंदगी की कड़वी सच्चाई। देश के गरीब के घरों में गैस का चूल्हा एक सपना बनकर रह गया था। हिंदुस्तान के जो निर्धन, निर्बल, गरीब, पिछड़े, दलित समाज के हैं, जिनका आंख फूटता था, जो धुएं में रहती थी, जो गरीबनी माँ कम उम्र में मोतियाबिंद का शिकार हो जाती थी, ऐसे निर्धन, निर्बल, गरीबनी माँ जो चूल्हा फूकते फूकते अंधी हो जाती थी, उनके तरफ कभी आपका ध्यान नहीं गया। अगर उस गरीबनी माँ के तरफ किसी का ध्यान गया तो नरेंद्र मोदी है, जिसने उनको, हजारों लोगों को उन्होंने वो गैस चूल्हा दिया। लोगों के इस सपने को वाकई में हकीकत की शक्ल देने की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने ही की, नाम दिया उज्ज्वला योजना। जिस बलिया से मोदी ने इस योजना की शुरुआत की, वहां की रहने वाली सीमा की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। सीमा के ससुर रिक्शा चलाते हैं और पीएम मोदी ने सीमा को अपने हाथों से गैस कनेक्शन दिया था। कनेक्शन कैसे मिला था गैस का? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री दिए हैं। प्रधानमंत्री के हाथ से मिला था? हाँ, रिक्शा चलाते हैं बाबूजी। अच्छा। तो वही कमा के ले आते हैं तो गैस भराता है। तब शायद सीमा को उम्मीद भी नहीं रही होगी कि उसकी जिंदगी में ये गैस सिलेंडर उजाला लेकर आएगा। बाकी लोगों की कहानी दिखाने से पहले दर्शकों को बता दें कि 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के बलिया से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की।
इसके तहत 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को 3 साल के अंदर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देना शुरू कर दिया। भारी सफलता की वजह से सरकार ने योजना को आगे बढ़ाते हुए 2018-19 के बजट में देश के 8 करोड़ लोगों को कनेक्शन का लक्ष्य रखा। 21 मई 2018 तक देश में करीब 3.5 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। अजमेर के शन्नू खान और बूंदी की हसीना की कहानी बिल्कुल अलग अलग है। शन्नू का परिवार जहां गैस सिलेंडर मिलने से खुश है और जिंदगी की गाड़ी फर्राटे भर रही है, वहीं बूंदी की हसीना मायूस है कि उसे मोदी सरकार की इस योजना का फायदा नहीं मिला। पहले सुनिए शन्नू खान को। उज्ज्वला गैस कब लिया आपने? साल भर होगी बाबूजी। साल भर से आ रही है? आ रही है। ये फ्री में मिली या इसके लिए कोई पैसे दिए आपने? फ्री मिली साहब। फ्री मिल रही है। हालांकि अजमेर की रहने वाली राजस्थानी कपड़ों में दिख रही बादामी देवी इसलिए परेशान है क्योंकि बीपीएल कार्ड होने के बावजूद उज्ज्वला योजना का लाभ इन्हें नहीं मिला है। क्या दिक्कत आ रही है? गैस कनेक्शन मिला नहीं मिला आपको? नहीं मिला। 12 महीना हो गया भागता, कोई गैस मिला, कोई मिली, कोई नहीं मिला, नहीं पानी का बंदोबस्त। अजमेर से आगे बूंदी चले तो यहाँ की हसीना बानो आसपास के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना गुजारा चलाती है, लेकिन उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला। नहीं मिला कनेक्शन, कुछ भी नहीं है। तो कैसे खाना बनाते हो? ये छोटी टंकी है, मोहल्ले में ली है, इस पे खाना बनाती हूँ। खत्म होने वहाँ पैसे होते बनाती हूँ, पैसे नहीं होते तो नहीं बनाती हूँ। जबकि बूंदी के महावीर कॉलोनी में रहने वाली फागुन को उज्ज्वला योजना की वजह से गैस मिल गई तो इनका परिवार खुशी खुशी सिलेंडर से खाना बना रहा है। पहले हम चूल्हे में बनाते थे खाना और अब हमें गैस मिल गया सरकार की तरफ से, अब उसका लाभ मिल गया, हम जल्दी निमट जाते हैं खाना वाना बनाने से। और बोले पहले बहुत टाइम लगता था हमें बनाने में, खाना बनाने में। राजस्थान के इन 4 चेहरों में से 2 के चेहरे सिलेंडर मिलने से खुश हैं, तो 2 इस बात से परेशान हैं कि उनकी जिंदगी में अभी उज्ज्वला के उजाले ने दस्तक नहीं दी है। दर्शकों को हम बता दें कि राजस्थान वो राज्य है जहां साल के अंत में चुनाव होने हैं और उज्ज्वला योजना वो स्कीम है जिसके दम पर बीजेपी चुनाव जीतने की रणनीति बनाती है। यूपी के नतीजों में उज्ज्वला का अहम रोल रहा था। योजना के तहत यूपी में करीब 73.5 लाख, राजस्थान में करीब 29 लाख, बिहार में करीब 52 लाख, पश्चिम बंगाल में करीब 53.3 लाख, मध्य प्रदेश में करीब 36 लाख लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। अब बिहार ले चलते हैं आपको। आर्थिक रूप से पिछले बिहार में लोगों को सिलेंडर मिला लेकिन गैस भराने के पैसे नहीं हैं। जहानाबाद की रहने वाली सजनी देवी मिट्टी के चूल्हे पर खाना पका रही हैं, जबकि इनके घर में उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर भी है और चूल्हा भी, लेकिन पैसे नहीं है कि दोबारा सिलेंडर भरा सके। पैसा नहीं है, गरीबी हालत है। तो आपको आपको मिला था ना गैस? मिला था हाँ। तो क्या किया उसको? मिला था तो पैसा नहीं था, किया से भराए। तो उसको क्या किया, गैस को क्या किया? गैस धायल है मचान कर, फायदा क्या हुआ? पैसा कौड़ी है या नहीं है तो किया से भराए। ये धमतरी जिले के चंद्रपुर गांव के फागुराम का घर है। यहां उज्ज्वला योजना के उजाले की किरण अभी तक नहीं पहुंची है, जिसकी वजह से ये लोग ईंट भट्टे में जलने वाली लकड़ी की आग से चूल्हा जलाकर खाना पकाते हैं। गैस नहीं मिला है, अब ऐसे जमा कर रहे हैं, फोटो कॉपी करवा के, राशन कार्ड भी, खाता आधार कार्ड को भी नहीं मिला है। परेशानी होते है, चूल्हा में आग जलाते हैं, खाना बनाते हैं, जंगल से लकड़ी लाते हैं। कुल मिलाकर उज्ज्वला योजना के उजाले की रोशनी को सरकार तो जमीन पर उतारना चाह रही है, लेकिन सिस्टम के शैतान और गरीबी की समस्या इस विकास योजना के राह में रोड़े अटका रही है। हमारा मानना है कि सरकार इस योजना का एक बार मूल्यांकन करे और जो कमियां हैं उसे दूर करे। ये सरकार जो भी करेगी वो गरीबों की भलाई के लिए करेगी, गरीबों के कल्याण के लिए करेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस हम पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगा रही है, जबकि खुद कांग्रेस पार्टी ने पूरा का पूरा अस्तबल बेचकर अपनी सरकार बनाई है। अगर ये लोग अपने विधायकों को 5 सितारा होटल के अंदर, 5 स्टार होटल के अंदर बंद न करते, खुला छोड़ते,
तो जनता ही उनको बता देती कि वोट कहाँ डालना है। कर्नाटक में कांग्रेस पर कुछ इस तरह अमित शाह ने हॉर्स ट्रेडिंग में पूरा अस्तबल बेचने का आरोप लगा दिया और पूछा कि येदियुरप्पा सरकार गिरने के बाद भी कांग्रेस के विधायक रिजोर्ट में छिपे क्यों बैठे हैं। कि सारे विधायकों को उन्होंने होटल में अभी भी इस सेकंड तक बंद करके रखा है, छोड़ा नहीं। जिस क्षण उनको छोड़ेंगे जनता उनसे जरूर हिसाब मांगेगी, ऐसा मेरा मानना है। राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है उसके मुताबिक कांग्रेस जेडीएस को डर इस बात का है कि अगर रिजोर्ट से विधायक बाहर निकले तो बीजेपी उन पर डोरी डाल सकती है, क्योंकि मंत्रिमंडल का फैसला अभी नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि मंत्री नहीं बनाए जाने से कुछ विधायक बागी हो सकते हैं और विश्वास मत के दौरान कुमार स्वामी का खेल बिगाड़ सकते हैं। यही वजह है कि बीजेपी को हमले का मौका मिल गया। परसों कुमार स्वामी सीएम पद की शपथ लेंगे। बिहार की राजधानी पटना से बड़ी बहस की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको यूपी लेकर चलते हैं, जहां पर अपना बंगला बचाने के लिए बहन मायावती ने बड़ा दांव चला है। अभी लखनऊ के इस आलीशान बंगले में बीएसपी की अध्यक्ष मायावती रहती हैं, लेकिन अब बंगले के बाहर नीले रंग का ये बोर्ड लगा दिया गया है जिस पर लिखा है श्री काशीराम जी यादगार विश्राम स्थल। असल में मायावती ने काशीराम के नाम पर ये राजनीतिक चाल इसलिए चली है क्योंकि उन्हें ये बंगला खाली करना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार के तमाम पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकार की ओर से मिले बंगले को खाली करने का फरमान सुनाया गया है। राजनाथ सिंह ने बंगला खाली कर दिया है, अखिलेश यादव ने खाली करने के लिए कुछ और समय मांगा है, मुलायम सिंह भी नया घर खोज रहे हैं, लेकिन मायावती ने ये बोर्ड लगाकर ये संदेश दे दिया है कि 13 मॉल एवेन्यू का ये बंगला काशीराम जी की याद में उन्हीं के कब्जे में रहेगा। हालांकि मायावती खुद उस 9 मॉल एवेन्यू बंगले में रहने जा रही हैं, जिसको उन्होंने 2011 में 14 करोड़ में खरीदा था। फिलहाल यहाँ डेंटिंग पेंटिंग का काम हो रहा है। देखना दिलचस्प रहेगा कि 13 मॉल एवेन्यू के इस आलीशान बंगले का होता क्या है। पालघर में उम्मीदवार उतारने का बदला नासिक में जाकर ले लिया है बीजेपी ने शिवसेना से। शिवसेना ने पालघर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारा तो अब बीजेपी ने भी बदले की चाल चली है। बीजेपी ने नासिक विधान परिषद चुनाव में शिवसेना के खिलाफ शरद पवार की पार्टी एनसीपी को समर्थन दे दिया। चुनाव में ग्राम पंचायत प्रतिनिधि वोट करते हैं, जिनकी संख्या 644 है। इनमें सबसे ज्यादा शिवसेना के 207 हैं, बीजेपी के 167 और एनसीपी के 100 हैं। वैसे कांग्रेस के 71 वोट भी एनसीपी के साथ हैं, यानी आंकड़ों के हिसाब से देखें तो बीजेपी एनसीपी और कांग्रेस के साथ आने का मतलब है शिवसेना की हार। और अब वक्त है मोदी के 4 साल की पड़ताल का। एक बार फिर से बिहार के लोगों के लिए जोरदार ताली हो जाए। बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर से हम आ पहुंचे हैं, क्योंकि यहां की राजनीति गर्म हो चली है। पटना में हमारी मौजूदगी और किन किन वजहों से है, जल्दी से उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। आपको बता दें बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीट है। 2014 में एनडीए ने 31 जीती थी। 2014 में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए में नहीं थी। लालू गठबंधन को 2014 में 7 सीट पर जीत मिली थी। बिहार में 2019 में सीधा मुकाबला एनडीए बनाम यूपीए का होगा, लेकिन इसके पहले जो जानकारी हमने आपको दी, एक तरफ महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की लड़ाई अब सड़क पर सामने आ चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के बड़े नेता रघुवंश प्रसाद सिंह की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मोदी की वजह से नीतीश कुमार अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं और इसी वजह से बहुत जल्दी वो महागठबंधन में शामिल होंगे। इसमें कितना दम है यही जानेंगे। चार बेहद खास मेहमान हमारे साथ मंच पर मौजूद है, जल्दी से उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ जेडीयू से राजीव रंजन जी पार्टी प्रवक्ता मौजूद है। राजीव जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रेमचंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमचंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। बीजेपी की ओर से पटना पश्चिम से विधायक नितिन नवीन हमारे साथ मौजूद है। नितिन जी बहुत स्वागत है। और आरजेडी की ओर से समस्तीपुर से विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजीव रंजन जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगी, ये बताइए ये सच है क्या कि नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन में जाने का प्लान कर रहे हैं? देखिए, ये भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जनता दल यूनाइटेड एनडीए का हिस्सा पिछले 17 वर्षों तक रहा है, बीच में चली गई थी, परिस्थितियां रही, वो देश के सामने है। आज हम फिर लौटे हैं और हमें उम्मीद है हम
बिहार की जनता के बीच फिर से एक बार भरोसा पैदा करने में कामयाब होंगे और जो 2019 का जो चुनाव परिणाम होगा वो पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में होगा। फिर ये आरजेडी के दिल में इतना दर्द क्यों है कि नीतीश कुमार फिर से आ जाए महागठबंधन में? नहीं, राष्ट्रीय जनता दल ऐसा नहीं चाहता है। राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को और महागठबंधन को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैंडेट दिया था और जिसको नेतृत्व दिया गया वही भारतीय जनता पार्टी के चरणों में चला गया। इसके लिए बिहार की जनता में नाराजगी है, आक्रोश है नीतीश कुमार के खिलाफ। वो कह रहे हैं आपकी करने की सजा मिली ना आपको, आपने काम ही ऐसा किया था, छोड़ के जाना पड़ा। देखिए ये 37 घोटाला नीतीश कुमार के शासनकाल में हुआ, उन्हें लगता था कि तमाम घोटाले में हम जेल जा सकते हैं, जेल से बचने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जाना पसंद किया और लड़ाई और अब हथियार डालना पसंद किया। लेकिन अब आ जाती हूँ मैं जरा बीजेपी के पास, क्योंकि कर्नाटक में जो कुछ चल रहा है, आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा है खिसियाने बिल्ली खंभा नोचे, बीजेपी की हालत इस वक्त यही हो गई है क्या? कांग्रेस तो पूरी तरह से बैकडोर से अब सत्ता में जाने का प्रयास करती है क्योंकि फ्रंट डोर तो उनके लिए जनता ने बंद कर दिया है, इसलिए बैकडोर की राजनीति करती है। कर्नाटका की जनता ने 104 सीट देकर पूरी तरह से कांग्रेस को नकारा था पर कांग्रेस ने बैकडोर की राजनीति, यही काम तो बिहार में किया तो उसका असर दिख रहा है कर्नाटका दे रहा हूँ। बिहार में नीतीश कुमार जी खुद उस गठबंधन को छोड़े जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था, आप तो इसे इंतजार में थे ना कि वो छोड़कर आ जाए। बिहार की जनता की भलाई का विषय था और लालू के जंगल राज को समाप्ति का विषय था, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई थी। नीतीश जी साथ आए हम लोग आगे बढ़े। लेकिन आज अमित शाह ने सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी के लिए कहा है कि हम पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं, आप लोगों ने तो खुद अस्तबल बेचकर सरकार बनाई है, तो फिर आप किस मुंह से ये बात कह रहे हैं? मेरा यही प्रश्न तो है कि अगर वो काम गोवा में बीजेपी करे, मणिपुर में बीजेपी करे, मेघालय में बीजेपी करे, बिहार में बीजेपी करे तो वो ठीक है। आप फिर से तो सीखा है जनाब। नहीं, हमसे नहीं सीखा है। गोवा में सबसे बड़ी पार्टी बनके कांग्रेस आई, बीजेपी की सरकार थी, उनका चीफ मिनिस्टर हारा, आधा कैबिनेट हारी, फिर वो कैसे सरकार में आ गए? और वही काम आपने मणिपुर में किया, हमारा 28 एमएलए था, बीजेपी के 21 एमएलए थे, बीजेपी सरकार में आ गई। तो आपने लोकतंत्र को अपने मनपसंद के राज्यपालों के द्वारा राजभवन का दुरुपयोग करके जो एक तरह से सत्ता में हथियार लेना चाहा है उसको कर्नाटक की जनता ने आपको सबक सिखाया है कि हम भी सबसे लार्जेस्ट पार्टी आप हुए लेकिन उसके बावजूद हमारा गठबंधन को बहुमत था और राज्यपाल का कर्नाटक का फैसला इससे गलत साबित हुआ कि उनको बहुमत नहीं। लेकिन अब तो ईवीएम पे भरोसा है ना, ईवीएम से तो भरोसा, सुनिए ईवीएम हम, ईवीएम और सुप्रीम कोर्ट तो ठीक है ना, अब देश में ईवीएम भी हम लाए, सुप्रीम कोर्ट भी हम लाए, सवाल हम भी खड़े करते, सुप्रीम कोर्ट को सवाल नहीं खड़ा करते, हमारा सवाल किसी इंडिविजुअल पर होता है, हमने कोर्ट को हमेशा सम्मान दिया और आगे भी देंगे, लेकिन कोई अगर जज, अब ईवीएम कहाँ से इंडिविजुअल हो गया, यही तो बड़ा सवाल है ना। चले लोगों के पास चलते हैं सवालों के साथ, बिहार के पटना की जनता हमारे साथ मौजूद है, पूछे किससे सवाल सर? अरे ये कहे कि सुप्रीम कोर्ट हम ही लाए, ईवीएम हम ही लाए और पूरे देश में भ्रष्टाचार और घोटाला भी यही लाए। भ्रष्टाचार और घोटाला भी कांग्रेस से लाए है क्या? ठीक है, कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं है कि देश को संभाल सके। राहुल गांधी है ना कह रहे 2019 में बड़ी पार्टी बनी तो हम प्रधानमंत्री बने, राहुल गांधी एक बच्चा है, अभी बच्चा को सीखना चाहिए, मोदी जी देश चला सकता है। 40 साल के आप कह रहे हैं बच्चा, इधर खड़े जाइए सर, किससे है सवाल? इनके पास सवाल ही नहीं है, बताइए किससे है? हमारा सवाल सीधे कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी के बाद येदुरप्पा जी ने कर्नाटक में इस्तीफा करके संविधान का पालन किया, उसका दूसरा उदाहरण इनके पास है क्या? छोड़ दिया, अटल बिहारी वाजपेयी से येदुरप्पा जी की तुलना करने पहुंच गए। दूसरी तरफ चलते हैं, उधर से भी बहुत सारे लोग हैं, उधर भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, बताइए किससे है सवाल? मेरा सवाल है कि बिहार एक पहला ऐसा राज्य है जहां पे लोक शिकायत निवारण अधिकार नियम कानून लागू हुआ है जिससे लोगों के प्रति नीतीश कुमार के लिए विश्वास बढ़ा है और हमेशा सुशासन रहेगा बिहार में, सुशासन रहेगा। ये सर आपके हाथ में क्या है, सबसे पहले ये बताइए क्या कुछ लेकर आए हैं क्या आप, बताइए। नीतीश कुमार केवल भारत देश के नहीं विश्व के ऐसे नेतृत्व पैदा किया है और उनके शासनकाल में जो कुछ भी हो रहा है वो जनमानस के काम, वो कोई कह रहा है पलटू राम के साथ हो रहा है, वो कह रही है पलटू राम। देखिए पलटू राम कभी नहीं रहे हैं और नहीं रहेंगे। और ये बताइए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का आप ये लेकर आए हैं, खाली दिल्ली में पहुंचे थे भाषण देने, उसके बाद क्या हुआ? मैं भी उसमें शामिल था और उम्मीद है
कि जो हम लोग का ये है वो पूरा होगा। ठीक है, आपका भरोसा है नीतीश जी के ऊपर? ठीक है, ठीक है, कैसे सवाल बताइए। काला धन की बात किए थे तभी तो 2014 में जनता वोट किए थे। काला धन नहीं लाएंगे तो 2019 वोट कहां से पाएंगे? जनता खो गई है काला धन के लिए। 15 लाख कब आएंगे? 15 लाख कब आएंगे? 15 लाख रुपए का इंतजार है आपका, किसे है सवाल? मैडम, मेरा यही मूलभूत सवाल है कि मैं जानना चाहता हूँ, मोदी जी के 4 साल आपने लिखी हैं, बहुत अच्छी बात है, हम ये जानना चाहते हैं कि जिस समय ये मोदी के जी के 4 साल बदहाल या बेमिसाल, आप बताइए क्या है राय आपकी? वही मैं बता रहा हूँ, बदहाल इस मामले में कि जो काला धन की बात हुई थी कि 100 दिन के अंदर 100 डेज के अंदर में सरकार में हम आएंगे और 100 दिन के अंदर काला धन हम लाएंगे और हर गरीब के खाते में 15-15 लाख देंगे, जो जुमला है और भविष्य में भी। यानी कि जुमलेबाजी कर रही है सरकार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं। कुछ महिलाएं हैं, जल्दी से इन लोगों की राय रख लेते। खड़ी जाए मैम, कैसे है सवाल? हेलो, क्या कैसे है सवाल, पूछना चाह रही हैं आप? जी हाँ, मेरा सवाल यही पूछना है कि इतने सालों से देखे कांग्रेस की जब सरकार रही है तो हम लोगों को बिहार, इतना हिंदुस्तान में इतना राज्य है उसमें सबसे पिछड़ा बिहार क्यों है? क्योंकि अभी तक जब से हम लोगों को आजादी मिली है सबसे ज्यादा यदि किसी पार्टी ने राज किया है तो वो कांग्रेस की ही सरकार रही है। कांग्रेस अच्छा किया बुरा किया ये बताइए? देखिए, बुरा ही किया तभी तो हम पिछड़े हैं। बुरा किया। खड़े जाए मैम, कैसे है सवाल? खड़े जाए कैसे सवाल? मेरा सरकार बीजेपी सरकार से है, मोदी सरकार से है कि ये 4 साल हो गया, देश बेहाल हो गया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि 4 साल में महिलाओं के लिए इन्होंने क्या किया? आज जितने भी बीजेपी शासित राज्य है उन सभी राज्यों में रेप की घटनाएं तो बिहार के भी अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिससे सवाल खड़े कर दिए नीतीश के सुशासन पर। कैसे है सवाल? मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने 4 साल पहले जब पेट्रोल के कीमतों पर सवाल उठाए थे, कांग्रेस पर सवाल उठाए थे, आज वही पेट्रोल कैसे 82 रुपये पटना में बिक रहा है? GST क्यों नहीं पेट्रोलियम पदार्थ पर लागू है? ठीक है, बताइए कैसे हम अपने बच्चों को पकौड़ा छानने का ट्रेनिंग देंगे? IIT नहीं पढ़ाएंगे? सवाल का जवाब दीजिए, बीजेपी से ये सवाल है। लोग कह रहे हैं कि अब IIT IIM में एडमिशन नहीं कराएंगे जब छानना पकौड़ा ही है तो। देखिए, जिन लोग को आदत में शुमार हो गया उनकी बात अलग है। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो युवाओं को रोजगार के लिए मुद्रा बैंक और स्किल डेवलपमेंट का सपना और काम केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये लोग तो चरवाहा विद्यालय खोल कर बैठ गए थे, ये लोग कौन लोग? RJD के लोग चरवाहा विद्यालय खोले। बिहार में अगर सबसे अधिक पलायन हुआ तो लालू जी के रिजिम और कांग्रेस का। तो सच है ना कि सबसे ज्यादा पलायन आपके राज्य में हुआ? वो कह रहे हैं चरवाहा विद्यालय आप लोगों ने खोले थे, अब तो कम से कम अच्छा काम कर रही है NDA की गवर्नमेंट। नहीं, देखिए, 4 साल बिहार की जनता ने अपार मैंडेट दिया था, उसे यह अपेक्षा थी कि बिहार का पिछड़ापन दूर होगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन आज 4 साल समाप्त हो गया है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला और एक भी कमिटमेंट जो जनता से किया गया था एक भी कमिटमेंट पूरा नहीं किया गया। यहाँ तक कि तमाम संस्थानों को डिस्टर्ब करने का कोशिश किया जा रहा है, लोकतंत्र को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। सरकार तो आपकी है, कैसे सरकार चला रहे हैं आप बिहार में? देखिए, बिहार में सरकार पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ चल रही है और ये वो लोग हैं जो हताश लोग हैं, जिनको बिहार की जनता ने इसलिए खारिज किया कि इन्हें परिवार और भ्रष्टाचार के सिवाय किसी से भी रिश्ता इनका नहीं था। और आज ये सृजन घोटाले का नाम ले रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब जाए। पूरे परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है और अगर इसके बाद भी अगर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेताओं को नीतीश कुमार के खिलाफ अगर कुछ बोलने की जरूरत है तो जाए जनता के बीच और 2019 में जब जनादेश लेने जाएंगे तब इनका जवाब मिलेगा। 2019 में जवाब मिलेगा, लेकिन ये बताइए कांग्रेस पार्टी तो बिहार में UP में क्षेत्रीय पार्टी हो गई है, ऐसे स्थिति में 2019 में कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी? देखिए, आज के डेट में गठबंधन की पॉलिटिक्स सभी पार्टियों के लिए अनिवार्य हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी विभिन्न राज्यों में कई पार्टियों से गठजोड़ कर रखा है, बिहार में भी 4-4 पार्टियों से बीजेपी ने गठबंधन किया है, हमने भी किया है। जो सेकुलर मिजाज की पार्टियां हैं उनको एकजुट करना हमारा लक्ष्य है, उनके बीच में बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, सही बात बताएगा सरकार बनाने के लिए बिहार में आंकड़े हैं क्या आपके और RJD के पास, पहुंच गए राज्यपाल के पास?
कर्नाटक में बीजेपी के पास आंकड़े थे क्या? एक मतलब वही करेंगे ना, जो उन्होंने कर्नाटक में किया वही करेंगे ना। लिसन चित्रा जी, कर्नाटका में हमारे पास बहुमत था, हमने राज्यपाल को 118 में लेकर सपोर्ट किया था, उस पर हमें नहीं बुला के 104 वाले को वोट कराया। तो आज आरएसएस अपने लोगों को राजभवन बैठा कर, मतलब कुल मिला के आप यही कह रहे हैं ना कि कर्नाटक में जो इन्होंने किया वो हम बिहार में करेंगे, इसी वजह से आप पहुंच गए वहीं में। हमारे पास बहुमत था और हम बहुमत को बुधवार को साबित करेंगे। पटना में इस वक्त मौसम का मिजाज जितना गर्म हो चला है, राजनीति का तापमान भी उतना ही चढ़ा हुआ है। पटना से ये खास पड़ताल जारी है, महिलाएं बहुत ज्यादा तादाद में आई हुई है अपने सवालों के साथ, बताएं किससे है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस देश में, इस राज्य में जिसको बहुमत आता है उसको बुलाया जाता है मुख्यमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए। बिहार में भी हमारी जनता ने राष्ट्रीय जनता दल को बड़ी पार्टी के रूप में चुनने का काम किया, महागठबंधन को सबसे ज्यादा वोट देने का काम किया बीजेपी के खिलाफ, लेकिन यहाँ पर बीजेपी रातों रात जो है पलटू राम के साथ मिलकर के सीबीआई की छड़ी बिछा करने का काम किया, इसलिए बड़ी पार्टी के रूप में तेजस्वी को बुलाया। पलटू राम के साथ तो आप लोग गए थे, चलिए बताइए किससे सवाल। हम पूछना चाहते हैं इस देश के चौकीदार से कि एक देश में अलग अलग स्टेट में अलग अलग कानून क्यों होगा, एक जगह कुछ और होता है, चौकीदार पूरा खजाना को लुटवाए हुए हैं, इसमें बीजेपी क्या बोलती है ये पूछूंगी, आप बताइए किससे। एक मिनट आप लोग शांत हो जाइए। नहीं नहीं शांत मत कीजिए, आप मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ एक लाइन में। जाने कहाँ गए अच्छे दिन, कहते थे तेरी याद में महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिला, जाने कहाँ गए वो दिन। देखिए महिलाएं अपने ही अंदाज में अपनी बात यहाँ पर कह रही है, जरा दूसरी तरफ हम चलते हैं, दूसरी तरफ पीछे हो जाइए गलत बात है, पीछे हो जाइए आगे नहीं आइए। आरएलएसपी से हमारे साथ नेता मौजूद है, ये बताइए क्या चल रहा है बिहार की राजनीति में, आरएलएसपी कहाँ खड़ी है? आरएलएसपी तो अभी एनडीए की सरकार में, और एनडीए की सरकार में रहेगी 2019 तक, बिल्कुल रहेगी। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जो मोदी जी ने 4 साल में दिया है, सबसे पहले तो पूरे दुनिया में भारत को सर उठाने का अधिकार दिया है, पूरे दुनिया में भारत का सर उठा रहे, तो सर उठाने का अधिकार मिला है मोदी के राज में। हाँ, अभी एक कर्नाटक पर बात हो रही थी, हमारा 104 सीट था, हमको सरकार बनाने के लिए बुलाया गया, लेकिन खरीद फरोख्त करने की आदत बीजेपी को नहीं है, ये कांग्रेस की है, उन्होंने खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई है, खरीद फरोख्त करके कांग्रेस ने सरकार बनाई, आरोप लग रहा है, बताइए क्या कैसे। मैम, संसद से नरेंद्र मोदी बोलते थे कि कांग्रेस को देश नहीं चलाने आती है जब पेट्रोल का दर बढ़ता था, तो आज ये क्या स्थिति पैदा हो गई जब पेट्रोल का देश चला, क्या नरेंद्र मोदी जी को देश चलाने आ रहा है? चलाने नहीं आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को, ये कहना चाह रहे हैं किससे सवाल बताए। लालू जी जेल में पकौड़ा बना रहा है, जो भ्रष्टाचार में फंसे लालू यादव जेल में पकौड़ा बनाने का काम कर रहे हैं। एक एक करके पीछे चलिए आराम से अपनी बात रखिए, कैसे लानी, पीछे इधर आ जाइए सर, इधर आराम से आगे से। माननीय विधायक नवीन जी से गुजारिश करता हूँ, मैं छोड़िए आप आगे से आ जाइए, कैमरे के आगे से आइए, आराम से बिल्कुल आराम से, ये बहुत गलत बात है, बताइए किससे। माननीय विधायक नितिन नवीन जी से मेरा सवाल है कि मोदी के 4 साल में उन्होंने सिर्फ योजनाओं के नाम बदले, महानगरों के नाम बदले और महापुरुषों के नाम बदले, नितिन नवीन जी अपने लिए कोई नया नाम सोचे, उनका भी नाम बदलने वाला है। ठीक है बताइए किससे, आराम से। मैं कहना चाहता हूँ, अभी बातें चल रही थी चरवाहा विद्यालय की, मैं कहना चाहता हूँ कि साक्षरता मिशन गलत बात, पीछे चलिए, कोई जिंदाबाद नहीं, रैली में नहीं आए हैं आप लोग, किसी के अपने नेताओं की रैली में नहीं आए, चले बैठिए, नेताओं की रैली में नहीं आए, चले अपने अपने जगह पे, बहुत गलत बात है।
चले जो मंच पर लोग मौजूद हैं उसे हम जल्दी जल्दी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ये बताइए, लेकिन ये बात तो सही है ना, बार बार अगर नीतीश कुमार को पलटूराम कहा जा रहा है तो उन्होंने अपना चरित्र बिहार को दिखाया इस तरह का। देखिए, नीतीश कुमार जी ने जो भी किया बिहार के 11 करोड़ बिहारियों के लिए किया है। उन्हें अपने बेटे के लिए राजनीति नहीं करनी है, कुनबे और परिवार के लिए नहीं करनी है। उन्होंने अगर फैसला लिया तो बिहार के जनता के हित में लिया और विशेष राज्य का दर्जा या बिहार को विकास के जिन आयाम जो आयाम उन्होंने बिहार को दिलवाए हैं उस पर हर बिहारी को अभिमान है, उस पर हर बिहारी को अभिमान है। लेकिन कांग्रेस के पेट में थोड़ा इस पर दर्द क्यों होता है? नहीं, हमें दर्द नहीं होता है। जो वायदे मोदी जी ने किया एक भी उपलब्धि उनकी नहीं है। मोदी जी की बढ़ती अलोकप्रियता और बिहार में नीतीश कुमार जी की घटती राजनीतिक विश्वसनीयता ने बिहार में कांग्रेस आरजेडी का मार्ग आसान कर दिया। ये जनता अपने आप को महसूस कर रही है कि हमने एंटी बीजेपी वोट किया और बीजेपी के साथ नीतीश जी सरकार बना लिए, इसको जनता माफ नहीं करने वाली है। यहाँ पर जो वसूलों की बात होती है, आपने गठबंधन किया था हमारे साथ, अब आप बीजेपी के खिलाफ आपको मैंडेट मिला और आप उसी से हाथ मिला लिए, तो बिहार की जनता उस दिन का इंतजार करिए कब हम नीतीश कुमार और बीजेपी को सबक सिखाएं। आपको सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए अब तैयारी कर ली है लोगों ने 2019 में, फिर मुश्किल होगी आपके लिए। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी का जनाधार घट गया क्योंकि बीजेपी किस राज्यों में सरकार बना चुकी है। बीजेपी का जनाधार घट गया, कर्नाटका में बीजेपी 104 सीटों पे आ गई। नरेंद्र मोदी का ग्राफ घट गया, देश के 5 राज्यों में जब हमारी सरकार थी, जब नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, आज 4 साल बाद देश के 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नरेंद्र मोदी का ग्राफ कम गया और राहुल गांधी का ग्राफ उठ गया है। मोदी के 4 सालों की बड़ी पड़ताल लगातार हम कर रहे हैं। आरजेडी से अब सीधा सवाल मेरा यह है, ये बताइए, सरकार बनाने का दावा तो आप कर रहे हैं लेकिन 2019 जीतेंगी कैसे आप? नहीं, देखिए, जो मोदी सरकार है उसके खिलाफ 100 मुद्दे हैं, लेकिन मैं सिर्फ 4 मुद्दे रखना चाहता हूं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोदी सरकार के हाथ में लोकतंत्र सुरक्षित, 4 मुद्दों का टाइम है, बस हमको ये बताइए, आंकड़े तो आपके पास आए नहीं। नीतीश के साथ आप लोगों ने सरकार बनाई थी तब आपकी 80 सीटें आई थी, 2019 में आप जब वो नहीं है आपके साथ, आप जीतेंगे कैसे? क्योंकि जिसके साथ गए नीतीश कुमार उसका लोटिया डूबने वाला है, क्योंकि SC ST के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं, नौजवानों को धोखा देने का काम किया है इन्होंने 1.5 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ किया, किसानों का 1 पैसा माफ नहीं किया, 50,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इसी वजह से अब RJD जीतेगी और सरकार बनाएगी, इस तरह का दावा किया जा रहा है। फिलहाल ये बिहार की जनता के ऊपर निर्भर है कि वो क्या फैसला करती है, लेकिन कुल मिलाकर पटना का मूड जानने और समझने की हमने की है कोशिश, क्योंकि एक बार फिर से यहाँ का राजनीतिक माहौल कर्नाटक के हवा चलने के बाद गर्म हो चला है। आज पटना से फिलहाल इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी छपरा में, मोदी के करेंगे 4 सालों की बड़ी पड़ताल शाम 7 बजे। ये है ABP News, आपको रखे आगे।